जो मेरा कॉन्सेप्ट ले लें। मेरे पास क्या है, ओनली टॉकिंग, मैं केवल बात कर सकता हूँ। तो हमारे रेशो में होता है कि हमें 10 लोगों को फोन करना है प्रतिदिन, नए लोगों को 10 लोगों को फोन करना है, इस विषय में बात करनी है। हमें ये नहीं पता कि कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। और ये ध्यान दीजिए, यह कॉन्सेप्ट सेलिंग का जो हमारा बिजनेस है, मैं जिस पे बात कर रहा हूँ, ये चाहे आप कॉन्सेप्ट सेल करें चाहे आप प्रोडक्ट सेल करें, तरीका आपका वही आएगा ला ऑफ एवरेज का। कोई भी धंधा करें सब में ला ऑफ एवरेज काम करेगा। तो इसलिए आप फोकस कहाँ हैं, आप फोकस अपने काम पे हैं या उसकी बात पे फोकस है? आप फोकस अपने सेल पे हैं कि उसने ना कर दिया उस पर आप फोकस थे, उसने कुछ भला बुरा कर दिया, क्यों? क्योंकि वह जला हुआ था। अगर वह 10 जगह से जला हुआ है तो जाहिर सी बात है जब आप भी जाएंगे तो वह जलने के आभास से वह करा उठेगा। वह हो सकता है भला बुरा कर दे, हो सकता है हमारी इज्जत बेइज्जत कर दे, कोई बात नहीं, वह हमको नहीं कर रहा है, वह अपने आप को कर रहा है, क्योंकि हमसे तो कोई लेन देन ही नहीं किया था, अभी तो मैं बात ही कर रहा था। तो उसने किस पे अपना गुस्सा उतारा? अपने आप पे उतारा, क्योंकि वह भावनात्मक रूप से पीड़ित था। कहीं कहीं लोगों ने जमा करवा दिया और उसे पैसे नहीं मिले, कंपनियां डिस्टर्ब हो गई। हमारे कार्यकर्ता भी ऐसे हैं कि जो बात को समझते नहीं, वो समझते हैं बस कंपनी ही सब कुछ है, वो समझते ही नहीं कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और यदि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा जो कस्टमर है, जो मेरा ग्राहक है, जो मेरा संभावित ग्राहक है या जो मेरा कस्टमर है बराबर का, हमें दोनों को सहेजना होगा, क्योंकि उससे हम हैं और हमसे वो है, और मालिक ने हमको उसी काम के लिए बनाया हुआ है। गौर करें, अगर डॉक्टर अपने प्रोफेशन में है और पेशेंट का इलाज कर रहा है तो आप क्या समझते हैं? मालिक ने उसको वही काम दिया है कि वह पेशेंट के साथ 100% ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ उसको 100% देते हुए, उसकी बातों को सुनते हुए उसका इलाज करे। यह प्रोफेशन उसको मिला तो उसमें उसकी गलती क्या है? अब ये बार बार सोचे कि मैं डॉक्टर क्यों हो गया, या ये सोचे कि मैंने फलानी कंपनी का दवा क्यों दे दिया, ऐसा नहीं है। वो पढ़ता रहता है दिन रात सुबह शाम, उसे पता होता है कि मार्केट में क्या नया आ रहा है, मुझे उस अनुसार अपने पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ऐसे हमें आपको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, मार्केट को देखते रहना चाहिए, मार्केट के हिसाब से हमें आपको चलना होगा। और नहीं तो हमारे साथियों ने क्या किया कि अगर एक कंपनी ज्वाइन कर लिया तो बस कहते हैं कि मैं उसी का हूँ, अब वो डूबेगी मरेगी तो मैं उसी के लिए बना हूं। तो बने हो तो फिर भुगतेगा कौन? आप ही भुगतोगे। और अगर आप दोनों आंख खोल करके अपने पैसे जिनके लोगों के जमा कराए, वो तो बेचारे जमा करके सो गए ना, वो तो ये जानते हैं कि मैंने आपको दिया, आपके जरिए मैंने जमा कराया, तो आप मेरे पैसे को वाच कर रहे होंगे, नहीं तो सीधे बैंक में रख सकता था। तो हमारे जरिए अगर उसने दिया तो हमारा आंख कान खुला रहना चाहिए, तो हम खुले रहते हैं, इसीलिए हम फेस करते हैं, इसीलिए हम फेस करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा वह ग्राहक मरने ना पाए, भर कोशिश 100% जान लगा के उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अब बात यहां पे आती है कि वह कस्टमर भी हमारे साथ वैसा ही सुलूक करे जैसा मैं उसके साथ सोच रहा हूं। अगर वह ऐसा सुलूक नहीं करता तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो क्या सारे हैं? उसमें भी लाभ एवरेज है, वहां भी एवरेज आता है। अगर 10 कस्टमर हमारे अच्छे हैं तो 2-4 हमारे अच्छे नहीं हैं, 2-4 हमारे व्यवहार कुशल हैं तो 2-4 सिर्फ पैसे का ही बात करते हैं, व्यवहार से कोई मतलब नहीं, रिलेशन से कोई मतलब नहीं, पैसे तो पैसे की बात। तो हमें उनके अनुसार वैसा ट्रीट करना पड़ता है, सीधा खरी खरी बात, जो अच्छा लगे न लगे ये वो समझेंगे, लेकिन जो है वो एक्चुअल में बता के फाइनल हूं, क्योंकि मैं अपने दिल में रख के ढूंढूंगा नहीं और न ढोना चाहिए। जो भी बात है पिक्चर क्लियर करिए, बताइए अगले को कि ऐसा बात हो चुका है और हम चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ हो, तो आप मेरे साथ इस तरह यहां पे इन्वेस्ट करिए और ये पैसा
मैं ब्याज फिर खड़ा हो रहा है, और क्या चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना कि उसने हमारे पॉकेट में दिया है या आपके पॉकेट में दिया है, वो भी जानता है, उसने रसीद लिया है, बॉन्ड लिया है, जरिया आप थे, जरिया मैं हूं, तो मैं भाग थोड़ी रहा हूं। एक गारंटर का मतलब क्या होता है कि एक ने दिया, दूसरे ने लिया, बीच में वो खड़ा हो गया, वो बताया कि ठीक है मैंने देख लिया, आप दोनों लोग लेन देन किए हैं, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी जेब से भरेगा, क्योंकि देने लेने वाला दोनों समझ रहे थे ना। हाँ, अब मैं ये कर सकता हूं कि अगर मेरे थ्रू वो गया था और वहां कोई लाश की संभावना दिख रही थी, मैं उसको रास्ता बताऊंगा, क्योंकि मैं निकाल के तो दे नहीं सकता, मेरे जेब में तो है नहीं, तो मैं उसे रास्ता बताऊंगा कि आप क्या काम करिए कि ये पैसे जो आपके यहाँ फंस रहे हैं, इस पैसे को थोड़ा सा इधर मूव करिए और यहाँ विद इंटरेस्ट खड़ा हो जाएगा। मैं वहां तब भी था, अब भी हूं, आगे भी रहूंगा, आपका एक एक पैसा जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आपको दिया, तो ये गलत है। तो मतलब कहने का कि ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। लाभ एवरेज हर जगह काम करता है। जो देने वाला था, जिसने डिपॉजिट किया, क्या उसको नहीं पता है? उसने भी 10 जगह पैसे रखे हुए, उसको भी पता है कि अगर मैंने 10 जगह रखा हुआ तो एकाध जगह इधर उधर होता है, तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने, हमारे सामने, वो तो चाहेगा ना, भाई उसने दिया है, ठीक है, तो हम पूरी बात बता के उसको अपने संज्ञान में, अपने विश्वास में लेते हुए आगे बढ़े, क्योंकि नित नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा होता है। बस बात होती है चलने की। रुकिए मत, ठहरिए मत, डरिए मत, लड़ते रहिए, चलते रहिए, यही शायद